1987 में अखिल भारतीय जनसंघ ने कार्यक्रम था, जब हमने राजकुमार जी वहाँ ले गए, मेरा ही सिलेक्ट हुआ था, प्लाक वहाँ चलना है, हम वहाँ गए समझे ना, राजकमल राजकमल स्कूल में। और जब दाढ़ी बनाने का मौका हमें वाजपेयी जी को पहले चांस में मिला, जब उनके गाल पर चेहरे पर अस्तूरा हमने रखा, थोड़ा सा हमारा हाथ कांपा के इतने देश के महान नेता को हम दाढ़ी बना रहे हैं, वाजपेयी जी तरफ देश किए, वाजपेयी जी तरफ देश किए, बोले बेटा घबरा मत, तुम वाजपेयी जी के दाढ़ी मत बना रहे हो, एक आम पब्लिक का दाढ़ी बना रहे हो, तुम इतमान से दाढ़ी बनाओ। मैंने इनकी दाढ़ी बनाई, बीच में अडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी जी का, जब दाढ़ी हमने बना लिए तो वाजपेयी जी ताली बजाएं, अब बहुत खुश हुए, बोले इनको टोपी ला के दो, एक चॉकलेट इनको ला के दो पहले मेरे हाथ से, वो अपना हाथ से एक चॉकलेट खिलाएं, उसके बाद बोलो 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 क्या चाहिए। इतने में उनका बॉडी गार्ड आ गए, बोले कि सर इनके साथ झलिया हम देखना चाहते हैं। तो वाजपेयी जी बोले जाइए इनको झलिया दिखाइए, आप मिनी वाजपेयी जी जाकर बनिए, हमारा गाड़ी है उस गाड़ी में जाइए आप, मंत्री जी की गाड़ी में बैठ के हमने आए, चारों बॉडी गार्ड लेके उनको झलिया दिखाएँ, अपना दुकान दिखाएँ, चाय चाय वगैरह पिलाएँ, चाय पीने के बाद फिर जब ले गए तो वाजपेयी जी तो कहिए वाजपेयी जी दिखा दिए झलिया उनको, हम वहाँ खुश हुए, चलिए ठीक किए, हमारा आदमी को झलिया आप दिखा दिए। क्या उपहार मिला था आपको? हैं कुछ उपहार में चॉकलेट दिए थे फर्स्ट में, उनके बाद जिस कुर्सी में उनको बैठा के हम दाढ़ी बनाए थे वो कुर्सी अपने हाथ से हमको दे दिए, बोले जाइए इसमें बैठ कर आप बराबर चाय पीजिएगा और हमको अपने दिल में बसा कर रखिएगा, हमें याद कीजिएगा। तो जब जब आज भी हम चाय पीते हैं उनको याद करते हैं कि वाजपेयी जी की कुर्सी है, वो अपना पत्नी के बराबर बोलते हैं ये कुर्सी वाजपेयी जी का है।